हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरे किचन में स्वागत है। ये देखिए, आज हम बेसन की पकौड़ी बनाने चल रहे हैं और उसकी सब्जी बनाएंगे। तो ये हम बारीक काट लिए हैं प्याज, इस तरह पतला पतला से। इसमें हम बेसन मिलाएंगे। इसमें हम एक चम्मच हल्दी मिला रहे हैं, आधा चम्मच मिर्चा पाउडर, ये दरबरा वाला हमारा मिर्चा है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सानेंगे। पहले ये हम ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। इसमें हम हल्का सा मीठा सोडा मिला रहे हैं, इसको ज़्यादा हम नहीं सानेंगे। हमारा हो गया है, देख लीजिए इस तरह है, ज़्यादा हम गीला नहीं किए हैं इसको। अब हमारा तेल गर्म हो रहा है, चल रहे हैं डालने इसको फ्राई करने। इसको डाल रहे हैं छोटा छोटा इससे। तरीके से हम इसको बना रहे हैं। ये हमारा बन जाएगा तो हम सब्जी इसकी तैयार करेंगे। ये हमारी सारी पकौड़ी देखिए किस तरह पक गई हैं। अब इसको हम निकालने चल रहे हैं। ये हमारी अच्छे से पक गई हैं, इसको हम निकाल के ये हम फ्राई कर लिए हैं। इसको प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, एक कटोरी बेसन और दो प्याज से इतनी ढेर सारी पकौड़ी बन गई हैं। तीन चार लोग के लिए सब्जी बन जाएगी। इसको हम सब्जी बनाएंगे। ये हम पकौड़ी को फ्राई करके सब्जी बनाने चल रहे हैं। तो ये हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, तेल हमारा गर्म हो रहा है। ये हम पेस्ट तैयार किए हैं, लहसुन है, मिर्चा, अदरक, प्याज, ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। ये बारीक प्याज काट लिए हैं, फ्राई करने चल रहे हैं। ये एक चम्मच छोटा हम जीरा लिए हैं। ये हम इसमें कुछ खड़ा मसाला डाल रहे हैं, तो हमारा तेज पत्ता है, छोटी इलायची, दो लौंग और गोल मिर्च। प्याज भी डाल दे रहे हैं इसमें। अब हम पेस्ट में हम हल्दी मिला रहे हैं, आधा छोटा चम्मच, एक चम्मच हम मसाला मिला रहे हैं, सब्जी मसाला हमारा है, आधा चम्मच हम गरम मसाला मिला रहे हैं इसमें। इसको हम डाल रहे हैं इसमें। ये मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, ये ब्राउन हो गया है, देखिए। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। ये हम सादी दही लिए हैं, तो इसको दो चम्मच डालेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिला ले रहे हैं। नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। ये हमारा नमक डालने से अच्छी तरीके से मसाला पक जाएगा। ये हम पकौड़ी बना के रखे थे, उसमें भी मसाला हम पकाएंगे। ये पकौड़ी मसाला सब पक गया है अच्छे से, इसमें हम पानी डाल रहे हैं। ये हम पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाले हैं क्योंकि बेसन पानी सोखता है, तो मिश्रक को ढक देते हैं पकने के लिए। ये इस तरीके से हमारी देखिए पकौड़ी की सब्जी बन के तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही खाने में मज़ा आता है इसको। ये इस तरीके से हम बनाए हैं, और ये तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। दोस्तों, धन्यवाद।